गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू टू लेक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल सेंट्री फ्यूजेस फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे कि इंडस्ट्री में किस तरीके के सेंट्री फ्यूजेस पाए जाते हैं और उनका क्या बेसिकली बेनिफिट होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और वो किस तरीके से आपका ऑपरेट करता है सो फ्रेंड्स बिफोर स्टार्टिंग टू डेज लेक्चर अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए सो फ्रेंड्स मेरा जो लेक्चर है इसका पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकता है सो फ्रेंड्स स्टार्टिंग विद टू लेक्चर सो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑन विच दिस इंडस्ट्रियल सेंटिफ्यूज वर्क सो फ्रेंड्स बेसिकली होता क्या है जो भी मेरे पास में सॉल्यूशंस होते हैं इंडस्ट्री में बेसिकली उनमें पार्टिकल्स होते हैं जिनकी डेंसिटी जो होती है वो हायर होती है देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट सो so, होता क्या है कि जो पार्टिकल्स आपके लाइटर हैं वो पार्टिकल्स आपके टॉप में फ्लोट करेंगे जो पार्टिकल्स आपके हैवीयर हैं वो पार्टिकल्स आपके बॉटम में सेटल आउट करेंगे सो फ्रेंड्स बेसिकली ये जो आपका डेंसिटी डिफरेंस रहता है इसकी वजह से ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आया है सेंट्रीफ्यूगेशन का द ग्रेटर द डिफरेंस इन द डेंसिटी द फास्टर दे मूव जितना ये डेंसिटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी जल्दी ही ये सेपरेशन पॉसिबल होता है इफ़ देयर इज़ नो डेंसिटी डिफरेंस द पार्टिकल विल स्टे स्ट सो फ्रेंड्स बेसिकली होता क्या है अगर आप देखेंगे जब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं तो इस डायग्राम को आप गौर से देखिए तो जब जितना आप हाई आर पी एम पे किसी भी मटेरियल को रोटेट करेंगे तो जो उसमें हैवी पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होती है जिसकी वजह से वो बेसिकली दूर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं सो फ्रेंड्स टू टेक एडवांटेज ऑफ इवेंट एनी डिफरेंस इन डेंसिटी टू सेपरेट वेरियस पार्टिकल्स इन अ सोल्यूशन ग्रेविटी कैन बी रिप्लेस्ड अगर हम ग्रेविटी का वेट करें तो अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग टाइम में सेटिमेंट होते हैं उसका उससे बचने के लिए हमने एडवांटेज लिया है आपका सेंटिफ्यूजल फोर्स का जिसमें किसी भी मटेरियल को हम काफ़ी हाई रिवॉल्यूशंस पर मिनट पर रोटेट करते हैं तो अलग अलग डेंसिटी के पार्टिकल इजली सेपरेट आउट हो जाते हैं लाइक लेबोरेटरी सेंटिफ्यूज में आपका सेपरेट किया जाता है आपके ट्यूब्स में मटेरियल रखा जाता है और उसमें जो भी आपके हाईली डेंस मटेरियल्स हैं वो बॉटम में सेटल आउट हो जाते हैं सो so फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो होता है साइंटिफिकल फोर्स जिसके बेसिस पे हम सेपरेट आउट करते हैं कोई भी पार्टिकल्स मीन्स अगर मेरे पास में कोई भी मिक्सचर है जिसमें एक लिक्विड है और एक सॉलिड है तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा कि जो सॉलिड है वो डेंसर मटेरियल होगा और जो लिक्विड है वो आपका लाइटर मटेरियल रहेगा सो so फ्रेंड्स वहाँ पे बेसिकली हम सेंटिफ्यूजेस को यूज करते हैं बिकॉज ये हमारा क्या करता है ये हमारा जो भी डेंसर मटेरियल से उनको बाहर की तरफ मूव करवा देगा और जो भी लाइटेस्ट मटेरियल है उनको ये सेंटर की तरफ रखता है सो so फ्रेंड्स ये बेसिकली एडवांटेज होता है आपका सेंटीफ्यूज का सो फ्रेंड्स मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड सो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेंटिफ्यूगेशन या फिर हाउ अ सेंटिफ्यूगल फोर्स सेंटीफ्यूज वर्क्स तो फ्रेंड्स जो इंडस्ट्रियल सेंटिफ्यूजेज होते हैं ये रोटेट करते हैं एट हाई स्पीड विद मेनी रिवोल्यूशन पर मीटर पर मिनट फ्रेंड्स इसमें थ्री थाउजेंड फोर थाउजेंड इवन काफ़ी हाई आर पी एम्स पर ये रोटेट करते हैं दिस रोटेसन इंट्रोड्यूस अटल फोर्स टू इनवर्ट एंड अ रिलेटिव सेंटिफ्यूगल फोर्स आउटवर्ट सो फ्रेंड्स इस रोटेशन की वजह से क्या होता है एक पेटल फोर्स इन्वर्ट लगता है एंड अ सेंटिफ्यूगल फोर्स आउटवर्ट डायरेक्शन में लगता है जो ये रिलेटिव सैंटिफ्यूगल फोर्स होगा इज हंड्रेड टाइम्स ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट वी फील ऑन द अर्थ फ्रेंड्स ये जो सैंटिफ्यूगल फोर्स होती है ये एटलीस्ट हंड्रेड टाइम्स मोर स्ट्रांगर होती है देन द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी सो फ्रेंड्स होता क्या है कि जो हाइड्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं मेरे सॉलिड और लिक्विड के वैन गिवन इनफ टाइम अगर हम उनको नॉर्मल भी रख देते हैं किसी कंटेनर में और उनको सेपरेट होने का टाइम देते हैं तो वो ग्रेविटी से भी एक दूसरे से बेसिकली सेपरेट आउट हो जाते हैं बट फ्रेंड्स सेडिमेंटेशन का जो प्रिंसिपल है इसको यूज़ करके जो हाई सेंटीफ्यूगल फोर्स है दैट कॉज द सेपरेशन टू ऑकर इन मिनट्स बट फ्रेंड्स इसकी हेल्प से क्या होता है कि जो मेरा सेपरेशन पॉसिबल होता है वो विद इन मिनट्स में हो जाता है सो so फ्रेंड्स याद रखिएगा कि बेसिकली आपका नॉर्मल तरीके से सेडिमेंटेशन करने में और इसमें एडवांटेज सबसे ज़्यादा ये रहता है कि जब आप किसी सेंटीफ्यूज़ के थ्रू सेंटीफ्यूज़ करते हैं तो नॉर्मल सेगीमेंटेशन में आपका वायर ग्रेविटी रहता है बट जब हम इसके थ्रू सेगमेंट आउट करते हैं तो ये हमारा काफ़ी कम टाइम में हमें सेगमेंटेशन मिल जाता है या फिर काफ़ी कम टाइम में हमारा जो मटेरियल है वो बेसिकली एक दूसरे से सेपरेट आउट हो जाता है जो नॉर्मली अगर हम ऑपरेट करने जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा सो so फ्रेंड्स अगर आप गौर से देखें तो ये आपका बेसिकली सेंटीफ्यूज़ रहता है जो आप इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं इसके अंदर आप अपना वैट चार्ज करते हैं और आप को, इसको इसके अंदर एक मोटर और एक आपका ये इसके अंदर आपका मोटर और एक आपका वो लगा रहता है इंपेलर जैसा जो आपका रोटेट करता रहता है सो so फ्रेंड्स बाहर की साइड में बेसिकली आप फिल्टर बैग्स लगाते हैं तो होता क्या है जब ये हाई वेलोसिटी पे आपका मूव करता है तो जो भी आपका एम है मीन जो भी आपका लिक्विड है वो बेसिकली बाहर की तरफ आपका निकल जाता है और जो भी आपका सॉलिड है वो इसमें अंदर की तरफ स्टक हो जाता है सो so फ्रेंड्स सेंटीफ्यूज़ की हेल्प से हम काफ़ी इजी वे में सेपरेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर आप बेसिकली देखेंगे तो एक रोटर डिवाइस जैसा लगा रहता है जिसमें एक बास्केट जैसी रहती है जिसमें बाहर की तरफ आपका पूरा का पूरा आपका क्लॉथ रहता है फिल्टर क्लॉथ जिसे सेपरेशन होना है और अंदर आप उसके केक प्लेस करते हैं और इसको हाई वेलोसिटी पे रोटेट करते हैं सो so फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेंटीफ्यूजेस की तो फ्रेंड्स बेसिकली दो तरीके के से सेंटीफ्यूजेस होते हैं पहला होता है आपका सेडिमेंटेशन टाइप सेंटीफ्यूज और दूसरा होता है आपका फिल्टर टाइप सेंटीफ्यूज़ सो फ्रेंड्स सेडिमेंटेशन सेंटीफ्यूज़ में क्या होता है जो हाई डेंसिटी पार्टिकल्स होते हैं दे आर फोर्स टू आउटर एजेस ऑफ द कंटेनर वेयर दे फोर्स अ क्लोजली पैक्ड पैलेट सो फ्रेंड्स ये बेसिकली यूज किया जाता है लैब्स में आप इसको ज़्यादा देखेंगे जहाँ पे आपको

वो आपका वहाँ पर एंटैप हो जाता है और लिक्विड आपका बाहर की तरफ मूव कर जाता है सो so फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट सेंटिफ्यूगेशन सो फ्रेंड्स जो बेसिक फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं सेंटिफ्युगेशन को वो होते हैं डेंसिटी ऑफ सैंपल एंड द सॉल्यूशन आपका जो टेम्परेचर और विस्कोसिटी क्या है मटेरियल की डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है एंड द फोर्थ वन इज़ कि आप किस रोटेशन स्पीड पर आप उसे रोटेट कर रहे हैं सो फ्रेंड्स नेक्स्ट इज वाई देंटिफ्यूज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में उनके क्या यूज़ होते हैं सो फ्रेंड्स क्रिएशन ऑफ कंसिस्टेंटली प्योर बेचेज ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रेडियंट्स ए पी आईज में इसको यूज़ किया जाता है द मॉइस्चर कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्सेंट्रेशन एंड स्टोरेज एंड इट्स स्पेशली क्रिटिकल टू अवॉइड क्रॉस कंटेमिनेशन विद अदर इन्ग्रेडियंट्स जिसकी वजह से हम सेंटीफ्यूज को यूज़ करते हैं द इंडस्ट्रियल सेंटीफ्यूज इज कॉमनली यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज टू ड्राई आउट द ए पी आइज़ इन टू अ लेयर केक ऑफ मटेरियल सो फ्रेंड्स ये बेसिकली यूजेज होते हैं आपके सेंटीफ्यूज़ के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में सो so फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं थोड़ा बास्केट सेंटिफ्यूज़ के बारे में सो फ्रेंड्स बास्केट सेंटिफ्यूज़ इज अ हॉरिजेंटल सेंटिफ्यूज़ विद अ लार्ज बास्केट जिसमें एक लंबी बास्केट होती है एज द सेंटिफ्यूज़ स्पिन जैसा ही सेंटिफ्यूज़ मेरा स्किन करता है इट ऑल्सो फिल्टर्स द ए पी आई सो दैट द वाटर ऑल द अदर सॉलवेंट्स दे मूव थ्रो द पोर्स ऑफ द फिल्टर ये आपके फ़िल्टर के पोर्स के थ्रू मूव कर जाते हैं एंड द सॉलिड ए पी आई बल्क्स अप ऑन द इनसाइड ऑफ द बास्केट बिकॉज इट इज टू लास्ट टू फिट थ्रू द पोर्स सो फ्रेंड्स होता क्या है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया लिक्विड आपका बाहर की तरफ मूव कर जाता है बट जो आपका सरफेस है आपका फिल्टर बैग के अंदर की तरफ आपका जो भी मेन प्रोडक्ट है वो अंदर की तरफ रुक जाता है इसमें फ्रेंड्स एडिशनल वॉशिस आप देते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या प्योरिटी चाहिए एंड फ्रेंड्स इट इज इंपॉर्टेंट एट द केक रिमेंस एट द थिकनेस ऑफ अबाउट वन इंच और लेस हमें फ्रेंड्स इसमें बेसिकली केक की थिकनेस पे ध्यान देना रहता है कि अंदर हमारे कितने केक की थिकनेस बनी और हम ट्राई करते हैं कि ये वन इंच और लेस की थिकनेस हो टू एंश्योर प्रॉपर वॉशिंग एंड ड्राइंग ड्यूरिंग द सेंट्रीफ्यूज प्रोसेस ताकि जो भी हमने अंदर मटेरियल लिया है वो प्रॉपर तरीके से आपका वॉश हो सके और ड्राई हो सके फ्रेंड्स मेनी टाइम्स सेंटीफ्यूज़ इज़ इक्विप्ड विद एन इन्फ्लो ऑफ नाइट्रोजन कई बार आपने देखा होगा कि सेंटीफ्यूज में आपका नाइट्रोजन दी जाती है ये इसलिए दिया जाता है एक तो आपका कंटेमिनेशन रोकने के लिए और दूसरा कई बार जब हम सॉल्वेंट्स के साथ में ट्रीट करते हैं तो वहां पे एक इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट होकर रहे ताकि गलती से भी कोई एक्सीडेंट होने का चांस नेग्लिजिबल हो जाए सो so, फ्रेंड्स ये बेसिकली यूज होता है बास्केट सेंट्रीफ्यूज का नाउ फ्रेंड्स अगर हम अदर अप्लीकेशन की बात करते हैं फॉर द इंडस्ट्रियल सेंटीफ्यूजेस तो फ्रेंड्स इसमें आता है आपका रिकवरी ऑफ सेल्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट इज़ यूज फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड सीवेज प्रोसेसिंग important for the isolation of variable valuable synthetic material through the manufacturing of processes it is possible for many materials to be manufactured on industrial scale because it allows rapid separation of mixtures different type of centrifuges for different applications or optimal A rpm varies among the mixtures but the principle of centripetal acceleration is useful for the applications so friends depending upon हमें किस तरीके की ज़रूरत है हम हम अलग अलग तरीके के सेंटिफ्यूजेज यूज़ कर सकते हैं बट फ्रेंड्स जो प्रिंसिपल होता है सेंटिफ्यूगल फोर्स का वो बेसिकली हर जगह सेम होता है सो so फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही होप आपको सेंटिफ्युगल ये सेंटी फ्यूज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे आपका ब्लेंडर कि ब्लेंडर क्या होता है उसका क्या यूज़ होता है सो फ्रेंड्स टिल देन गुड बाय हैव नाइस डे